आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। एसपी ऑफिस आए हैं, क्या शिकायत लेके आए हैं? जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी विगत समय में जो 3 मार्च को मेरे ऊपर रेवा नगर में जो प्राण घातक हमला हुआ था और मेरे रुपए छीन लिए गए थे, कट्टा वगैरह से मारने का प्रयास किया गया था, उसके संदर्भ में मैंने करेली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें बबलू उर्फ ये जो व्यक्ति है जिसका नाम बबलू विष्णुदास त्यागी की थे, जो कंप्यूटर बाबा के गुर्गे हैं, और इन्होंने प्राण घातक हमला किया था। यद्यपि समय रहते करेली थाना पुलिस इन पर कार्रवाई कर देती तो बहुत बड़ी घटना बच जाती, लेकिन पुलिस की कारगुजारी कुछ ठीक नहीं दिखी। पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया और मुलजिमों को खुलेआम छोड़ दिया, घूमने का मौका दिया। आज मुलजिम करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करने में जुटे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इस जिले की सबसे बड़ी घटना है स्वर्गीय विशंबर दास त्यागी जी की जमीनों को, उनके बैंक खातों को खुर्द बुर्द करने का काम किया जा रहा है। अब इसमें पुलिस की मिली भगत है कि और अन्य मुलजिमों की मिली भगत है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसी संदर्भ में ये बासन पानी का रहने वाला और ये घाट पिंडरई बासन पानी का रहने वाला है, ये बबलू धानक, इसने अपने फर्जी दस्तावेज बनाए बबलू धानक करके, जबकि ये पटेल लोधी पटेल है ये बंदा, और इसके सारे दस्तावेज उस गांव में जहां इसने जन्म लिया वहां भी अवेलेबल हैं, और ये बुरे कार्यों में लिप्त हैं। ये मांस खाना और दारू पीना, ये फर्जीवाड़ा करना, इसका निश्चित रूप से धंधा बना हुआ है और ये शासन प्रशासन को गुमराह कर रहा है, बबलू उर्फ जो इसका नाम है विष्णुदास त्यागी और इसके साथ के गुर्गे। मैंने अवैध उत्खनन का विरोध किया था, मेरा दोष क्या है? बस ये लोग मेरे प्राण के दुश्मन बन गए, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की मैं लगातार पीछे पड़ा रहा, और ये गुमराह कर रहा है और इसने फर्जी शपथ पत्र दाखिल किया है जिसने को बबलू धानक बताया है, जबकि ये जनजाति अपने जिस परिवार में जन्मा है ये लोधी पटेल है, और इसकी जो है दरियाफ्त कर लिया जाए उस गाँव में जाके जिस गांव का रहने वाला है जहां इसने जन्म लिया है, घाट पिंडराई बासन पानी गोटे गांव के पास है इसका गांव, वहां से इंक्वायरी कर ली जाए, सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे कुख्यात अपराधियों को जो फर्जीवाड़ा करके और शासन प्रशासन को चूना लगा रहा, शासन प्रशासन को सामने लाना चाहिए और इसमें SP और DM को सख्त हो जाना चाहिए, किसी सशक्त अधिकारी को तैनात करना चाहिए इसकी जाँच के लिए।